अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू शफ़क किचन। आज हम आपके लेकर आए हैं बड़ी ज़बरदस्त सी मुठिया कबाब की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस वीडियो में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसे स्टोर करके 1 मंथ तक का इंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारे घर में बहुत पुराने टाइम से बनी चली आ रही है, तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसे शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg मटन का कीमा है, मटन मिंस लिया है, और ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। रेड चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सौंफ है ये रोस्ट की हुई है, धनिया है रोस्ट करके हमने इसे क्रश कर लिया है, और ये ज़ीरा पाउडर है, क्यूमिन पाउडर है। और इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये ग्रीन चिली पेस्ट, और हैंडफुल कोरिएंडर, और स्मॉल सी अनियन। अब इसके लिए मैंने चॉपर ले लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे ये मटन मिंस, ये मटन मिंस हमारा इसके अंदर जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अनियन है, और ये हैंडफुल हमारा कोरिएंडर है, ये भी इसमें जाएगा। अब ये इसके अंदर हमारे सारे सूखे मसाले, ड्राई मसाले सब जाएंगे। अब हम चॉपर की लीड लगा के इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब हम चॉप करना स्टार्ट करेंगे। अभी ये मसालों के साथ चॉप किया हुआ कीमा है, ये 1 big size के अनियन मैंने स्लाइस कर ली है, और ये ऑयल है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक बर्तन लेना है, और उसमें ये जो स्लाइस अनियन है उसे अच्छे से बिछा देना है। अच्छी तरह से पूरा बेस कवर हो जाना चाहिए, इस तरह से अच्छे से बिछा देना है इसे। अभी हमने अच्छे से इस पर बिछा दिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 tablespoon ऑयल लेंगे और पूरे अनियन के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब ऑयल स्प्रिंकल करने के बाद ये हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है ये बर्तन। अब हम क्या करेंगे, मुठिया बनाते जाएंगे और इसके ऊपर बिछाते जाएंगे। अच्छे से हाथों में ऑयल लगा लेंगे, इस तरह से अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम लोगों को इसकी अच्छे से आप लोगों को दबा दबा के मुठिया बनाना है, ताकि ये खुले नहीं पकते टाइम। इस तरह से ये आप लोग देख सकते हैं कि सारी मुठिया बन के हमारी रेडी हो गई है। तो मुठिया बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो हम कीमा लेंगे उसे अच्छे से ड्रेन कर लेना है, यानी वॉश करके हमको छन्नी में एटलीस्ट 1/2 hour के लिए या 20 मिनट के लिए एटलीस्ट आप छोड़ दें उसे, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और दूसरे, जब हम ये सारे मसालों के साथ कीमे को जो अच्छे से चॉप कर लेंगे, उसके बाद जब हम मुठिया बनाएंगे तो दबा दबा के मुठिया बनानी है, ताकि पकते टाइम ये खुले नहीं। अब इसे हम फुल फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे ढककर, और फिर धीमी आँच पर पकाएंगे, आपको बताते हैं। अब मैंने इसे गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम को फुल पर ऑन कर दिया है। तो इसमें हम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुठिया जो है वो बहुत पानी छोड़ेगी, और जब हम लोग उसे ड्राई करेंगे तो ये हमें जो अनियन हमने बिछाई है वो सपोर्ट करेगी, ताकि इससे हमारी मुठिया जलेगी नहीं नीचे से। तो अभी आपको आगे बताते हैं। अभी मैंने फुल फ्लेम पर इसे पकाने के लिए रख दिया है, 10 मिनट बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढक कर पकाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छी सी आवाज़ आ रही है इसमें से। अब मीडियम हीट पर रखकर मैं इसे ढक कर पकाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये मुठिया में से कितना पानी इसमें से छूट रहा है। तो इस स्टेज पे इसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें, नहीं तो हमारी मुठिया फूटने का डर है। इसे छोड़ दें, इस तरह से पानी सूखने का इंतज़ार करें। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पानी पूरा अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। अब आप इसे चम्मच से हटा हटा के देख लें, इस तरह से आपकी मुठिया एकदम रेडी हो गई है ये। और अब क्या करेंगे हम लोग, जो हल्का सा ज़रा सा पानी नज़र आ रहा है उसे भी धीमी आंच पे अच्छे से ड्राई कर लेंगे, और हमारी ये मुठिया पूरी तरह से रेडी हो गई है। और हम आपको बताते हैं इसको कैसे स्टोर करना है। इसको एयर टाइट कंटेनर में, जब ये ठंडी हो जाए अच्छी तरह से, तो इसे स्टोर करना है, बताते हैं आपको। अब इसका फूटने का टेंशन नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से पक गई है। तो आप लोग अच्छे से हिला हिला के इसे देख लें, और जो भी पानी है
तो वो उसे सुखा लें। और ये जो अनियन हमने रखी थी, इसकी वजह से ये सपोर्ट करती है, मुठिया को जलने नहीं देती है ये। और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर एकदम अच्छे से कैरमलाइज हो जाती है ये अनियन, तो इसका फ्लेवर भी बहुत टेस्टी लगता है। इसे मुठिया के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अब हमारी मुठिया जो बनके रेडी हो गई थी, उसे हम बताते हैं आपको। हमने खाली करके रखा है बॉक्स में, और ये हम आपको बताते हैं कि इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। यानी आपकी मुठिया तो रेडी हो गई है, बस खाली सर्व करने के लिए आपको शैलो फ्राई करना है। तो एक फ्राई पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें अपनी मुठिया ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम हमको फुल रखनी है, खाली कलर लाना है, बस पक चुकी है ये ऑलरेडी। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त ही हमारी मुठिया कबाब बन के रेडी हो गया है। और ये जो अनियन कैरमलाइज की थी हमने, वो भी बहुत टेस्टी होती, क्योंकि सारा जो मिन्स का जो मसाले का सब जो फ्लेवर है वो भी अनियन में आ जाता है। तो सर्व करने के टाइम इसे ज़रूर दें। और ये जो बाकी ये सारी मुठिया है, जो मुठिया कबाब, इसे हमने हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है। इसकी खास बात ये है कि आप इसे बना के और अच्छे से ठंडा करके कोई भी कंटेनर में इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। 1 मंथ तक इसे इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। और अगर कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप फौरन से इसे खाली हल्का सा शैलो फ्राई करके दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रेडी हो चुकी होती है ये पहले से। तो आप इस बकरा ईद हमारी इस रेसिपी को, मुठिया कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी हमारी रेसिपी शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।